और बिहार में जो चाणक्य नीति की शुरुआत होने जा रही है, इसका असर पूरे देश में क्या होगा, भारत के लोकतंत्र पर क्या होगा, और 2020 में इसकी जरूरत के बाद इस पर किस तरह के परिवर्तन हुए और कैसे राजनीतिक दल में बौखलाहट हुई है, सारे विषय पर चर्चा होगी। देखिए, अगर मानव श्रृंखला की बात करें, कल 19 तारीख को जी जो मानव श्रृंखला हुआ, ये पूरी तरह से फ्लॉप श्रृंखला था। जब से उन्होंने घोषणा किया सरकार बनने के बाद, उस समय में आरजेडी और कांग्रेस और जदयू की सरकार थी जी, और शराब नीति लागू हुआ। शराब नीति के बाद शराब की बिक्री बढ़ गया है, शराब का दाम बढ़ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। एक बार फिर से चाणक्य के वंशज हमारे साथ हैं और कहा यह जा रहा है कि एक बार जब चाणक्य ने नीति बनाई थी तो फतह हासिल किया था। भारत लाइव लगातार आपको चाणक्य नीति, बिहार की राजनीति, और चूंकि बिहार की राजनीति से हम चर्चा इसलिए करते हैं कि चाणक्य का उदय बिहार से ही हुआ था और इसकी शुरुआत 2020 से एक बार फिर से होने जा रही है। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्या आखिर जरूरत पड़ी कि जो हाशिए पर थे, हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, चूंकि चाणक्य ब्राह्मण थे और उनकी रणनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पूरा सृष्टि मानती है, आज भी चाणक्य नीति को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर कोई रणनीति बनाता है तो उसे भी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका नाम चाणक्य रखा जाता है। चाणक्य नीति भारत लाइव का एक एपिसोड शुरू होने जा रहा है, जिस एपिसोड में, पहला एपिसोड हम जो शूट करने जा रहे हैं, वो एक नए चाणक्य के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जो चाणक्य के वंशज खुद को कहते हैं, और इसी को लेकर के वो आगे भी बढ़ रहे हैं। आखिर जरूरत इसकी क्या पड़ी और बिहार में जो चाणक्य नीति की शुरुआत होने जा रही है, इसका असर पूरे देश में क्या होगा, भारत के लोकतंत्र पर क्या होगा, और 2020 में इसकी जरूरत के बाद इस पर किस तरह के परिवर्तन हुए और कैसे राजनीतिक दल में बौखलाहट हुई है, सारे विषय पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हम आधुनिक चाणक्य का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक परिचय दे दें, हालांकि परिचय के मोहताज तो है नहीं, ब्रजेश मिश्रा इनका नाम है और पेशे से पत्रकार हैं, पत्रकारिता को जिए हैं बहुत लंबे समय तक, आज भी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको यहाँ लगा और इन्होंने अपने अंदर के चाणक्य को जीवित किया और जीवित करने के बाद अब ब्राह्मण समाज को एकजुट करने और उन्हें अपनी वास्तविकता बताने, जगाने के लिए तैयार हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। 12 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय 10, 11, 12 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, गांधी मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हौसला होगा। लेकिन खैर, इसकी चर्चा हम इनसे करेंगे, पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे कल जो कुछ भी बिहार में हुआ, वहाँ से शुरुआत करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर के मानव श्रृंखला बनाई गई। ये मानव श्रृंखला कोई पहली बार नहीं थी, ये तीसरा अवसर था जब नीतीश कुमार जी ने मानव श्रृंखला बनाई और उसके पीछे उनका मकसद था प्रकृति के साथ लोगों को जोड़ना और एक संदेश देना। हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस संदेश में कितना सफल हुए। देखिए, अगर मानव श्रृंखला की बात करें, कल 19 तारीख को जी जो मानव श्रृंखला हुआ, ये पूरी तरह से फ्लॉप श्रृंखला था मेरे दृष्टिकोण से। मैंने जो रीड किया, चूंकि कल मैं पटना से औरंगाबाद गया जी, और औरंगाबाद के क्रम में मैंने कहीं यह श्रृंखला इस तरीके से नहीं देखी जो यह साबित करता हो, ये दिखाता हो कि जल जीवन हरियाली को लेकर जो नीतीश कुमार जी जो सपना देख रहे हैं, वास्तविक रूप से यह मानव श्रृंखला राजनीति, जो जैसा कि आपने कहा कि 2020 का फतह या विजय जी, ये कंप्लीट राजनीतिक मुद्दा था। आप गौर करके देख लीजिए, स्कूली बच्चों के अलावा जी 90% अगर जहाँ जहाँ भी आप जो चैन लगा हुआ देख रहे होंगे, 90% स्कूली बच्चों को इसमें शामिल कराया गया था, क्योंकि मजबूरी है स्कूल को, जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए तो पूर्णतः मजबूरी है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने कई जगह विरोध भी किया है, जो कई बातें समाचार में आ चुकी है, और
ये मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें हरियाली नीतीश कुमार कैसे ले आए अपने पार्टी के लिए, वो बेसिकली उसके लिए ये मानव श्रृंखला था मेरी नज़रों में। और मैं उसे पूर्णतः फ्लॉप मानता हूँ। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हर बार मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं, शराब की बात करते हैं, बाल विवाह से मुक्ति की बात करते हैं, ये दहेज से मुक्ति की बात करते हैं, जल जीवन हरियाली की बात करते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, जब से इन्होंने घोषणा किया सरकार बनने के बाद, उस समय में आरजेडी और कांग्रेस और जदयू की सरकार थी और शराब नीति लागू हुआ, शराब नीति के बाद शराब की बिक्री बढ़ गया है, शराब का दाम बढ़ गया है, रोज पकड़े जा रहे हैं, जेल में स्थिति यह है कि मजबूरी में लोगों को बेल देना पड़ रहा है। तो इनका शराब नीति, ये मानव श्रृंखला इनको नहीं बनाना चाहिए था। ये मानव श्रृंखला बनाकर इन्होंने अपना खुद का, मेरे दृष्टिकोण से इन्होंने अपना राजनीति कब्र खोद दिया है और यह असफल मानव श्रृंखला का निर्माण इनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाला है 2020 के विधानसभा चुनाव में। मानव श्रृंखला आप लोगों ने भी बनाया था, जब आप बता रहे हैं मानव श्रृंखला की बात, तो आप लोगों ने भी एक मानव श्रृंखला कल बनाया था जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। आपने किस तरह का मानव श्रृंखला बनाया था और आपका उसमें मकसद क्या था? देखिए, मानव श्रृंखला कल जो हम लोग मोरियावा गाँव में हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई थी जी, मानव श्रृंखला हमला कहेंगे उसको, इसलिए हम यह नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण श्रृंखला था जी। ब्राह्मण एक नया संदेश देना चाहता। आज नीतीश कुमार जी को 2020 में 19 के और 2020 में जब तो शुरू ही हुआ है 2020 2019 में उन्होंने जल जीवन हरियाली नाम से एक नया राजनीतिक ड्रामा शुरू किया है जी। हम ब्राह्मण मानव श्रृंखला इसलिए हम लोग कल बनाए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं पूरे संसार को, पूरे दुनिया को, भारत के लोग तो देख ही रहे हैं कि हम ब्राह्मणों ने धर्म और अध्यात्म के दम पर, हम आज जिस जल की बात कर रहे हैं, जल यानी गंगा मैया को हम लोगों ने माँ शब्द से जोड़ा ताकि हम उसके पवित्रता को, उसके धार्मिक आस्था को बनाए रखें, ताकि हम उसके महत्व को बरकरार रखें। इसलिए हम लोगों ने गंगा नदी को हम लोगों ने माँ का दर्जा दिया, सरस्वती, जमुना, पुनपुन सबका हम लोगों ने उसको जोड़ के रखा है। और नीतीश कुमार जी जब इस मुद्दे को समझते हैं, जब उसमें हम लोग जोड़ते हैं कि ये धर्म और अध्यात्म की बातें हैं, वो जीवन की बात करते हैं, जीवन दर्शन ब्राह्मणों ने दिया है समाज को कि कैसे जल का संचय करना चाहिए, हम जल संचय की बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं नीतीश कुमार जी। यही पीपल के पेड़ में हम पानी शनिवार के दिन, चाहे वो शनि ग्रह के कारण दें, भगवान विष्णु का आराधना के लिए दे या जल संचय के लिए दे, ये ब्राह्मणों ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी धारणा बनाई कि हम शनिवार को धर्म के नाम पर भी पानी अगर जल देते हैं, अगर पीपल के वृक्ष में, बहुत सारा हमारे यहाँ धार्मिक रूप से वृक्ष है जिसमें हम लोग जल देते हैं, तो ये हरियाली की बात ये नीतीश कुमार 2019 में कर रहे हैं, ब्राह्मण अनादि काल से करता चला आ रहा है जी। हमने कभी मानव श्रृंखला नहीं बनाई, लेकिन जो राजनीतिक ड्रामा था मानव श्रृंखला का, सरकार के पैसे का दुरुपयोग था, हम लोग भी इनकम टैक्स देते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं, हमारे दिए गए पैसे से सरकार चलती है, हमारे दिए गए पैसे से व्यवस्था चलता है, हमारे पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन शिक्षकों के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है और जल जीवन हरियाली का नाम दिया जा रहा है, इसके प्रतिशोध में या इसके काउंटर के रूप में हम लोगों ने ब्राह्मण मानव श्रृंखला बनाई थी। और यह मानव श्रृंखला हम लोग 2020 जो हम लोग का 12 अप्रैल 2020 का जो कार्यक्रम है पटना के गांधी मैदान, उसके संदर्भ में हम लोग ये श्रृंखला बना रहे हैं ब्राह्मणों का कि यह मानव श्रृंखला जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जा रहा है, हम जहां कार्यक्रम करेंगे वहां श्रृंखला बनाएंगे और यह श्रृंखला 12 अप्रैल 2020 के गांधी मैदान में आकर समाप्त होगा और जल जीवन हरियाली का मूल चीज जो है हम उसका दर्शन कराएंगे नीतीश कुमार को इसी पटना के गांधी मैदान से कि जल क्या है, जीवन क्या है और हरियाली क्या है और इसमें ब्राह्मणों का योगदान क्या है। हम किसी अन्य जाति का इसमें योगदान नहीं है की बात नहीं कहते क्योंकि हर व्यक्ति का समाज में योगदान है, लेकिन हमेशा अगुआ ब्राह्मण रहा है, आज उसको धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, आज उसको जातिवाद के नाम पर बांटा जा रहा है या तरह तरह का प्रताड़ित करके उनको मानसिक रूप से विकलांग किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली का महत्व ब्राह्मण से बेहतर समाज में ना कोई समझा है, ना नीतीश कुमार समझ पाएंगे, या पूरा राजनीति कर रहे हैं 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने का, जिसका समय आने पर इनको पता चलेगा कि इनका श्रृंखला वास्तव में वोट के रूप में कितना तब्दील हुआ, ये तो आने वाला नवंबर महीना बता देगा। ब्रजेश जी, एक पत्रकार के रूप में और जिस तरह से आप ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2020 में आप किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव को, इसमें ब्राह्मणों की भूमिका का क्या होगी और क्या आप देख रहे हैं कि 2020 में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है? देखिए, आपने दो बातें जोड़ दी इसमें। पहला,
कि आप पत्रकार दृष्टिकोण से जी, तो पहले पत्रकार के नजरिए से मेरा जो अपना मेरा व्यक्तिगत जो विचार है जी, जो कि मैं बिहार के 535 प्रखंड में जाता हूँ जी और घूमता हूँ देख रहा हूँ। मैंने 2019 में जो झारखंड का चुनाव हुआ था उसके पहले ही हमने कहा था कि रघुवर दास की सरकार नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार जी 2020 में जी जो गेम प्लान कर रहे हैं, देखिए एक तरफ एनडीए है एक तरफ महागठबंधन है। एनडीए में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीनों दल है जो एनडीए कहलाते हैं जी। भले ही ये कहने के लिए गठबंधन है, यहाँ पे नीतीश कुमार एक तानाशाह शासक के रूप में काम कर रहे हैं। वो तो बार बार भारत की सबसे बड़ी पार्टी, हम तो यूं कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नेतृत्व विशाल हृदय का धनी और एक मजबूत सशक्त व्यक्तित्व कर रहा है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उस आदमी को भी ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम 125 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जी। आप समझ लीजिए कि जब यह अकेले दम पर चुनाव लड़े थे तो आप उनकी स्थिति क्या रही आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अलग हटकर 2015 के जब विधानसभा चुनाव में ये लड़े हैं जी, तो 117 सीट पर चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार लालू जी के सहयोग से 71 सीट जीत पाए। अगर लालू जी का सहयोग नहीं रहता तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी से अलग हटने पर 117 से 71 पर पहुंच गए। और लालू का अगर आशीर्वाद नहीं रहता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये समता पार्टी की तरह 7 सीट वाले ही पार्टी बन के रह जाती। एक तो नजरिया ये है जी। दूसरा नजरिया एक तरफ महागठबंधन के बार बार नीतीश कुमार की तरफ से यह संदेश आता है, या भाजपा के अभी अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि हमारे नीतीश नेता है, बिल्कुल नेता है, विकल्प की बात होती है। नीतीश कुमार जी यह सोच रहे हैं कि बिहार में विकल्प नहीं है जी। आपने दूसरा सवाल कर दिया था ब्राह्मण के दृष्टिकोण से जी। तो हम ब्राह्मण जो परिवार है इस बिहार में उसको बिल्कुल वोट का मशीन समझा जा रहा है जी। लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं और आने वाला 2020 का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा होगा यह इस बात को साबित कर देगा कि चाणक्य के वंशज आज भी राजनीति में रणनीति तय करने का और हार और जीत का फैसला का योजना वही बनाएंगे। और हम विधानसभा चुनाव में अगर ब्राह्मणों को जो 12 अप्रैल 2020 को जो ब्राह्मण महाकुंभ होने हो रहा है, इस ब्राह्मण महाकुंभ के राजनीतिक परिदृश्य को अगर भारत के और खासकर बिहार के राजनीतिक दल अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि भले ही वो ताल ठोकते रहे कि हम इतने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इतने सीट पर हम अगर आ जाएंगे, इसका मतलब है नीतीश कुमार जी 125 सीट पर इसलिए सीट पर लड़ना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी सरकार अपने दम पर बनाना चाहते हैं। भाजपा को जरूरत पड़ने पर किनारा भी कर सकते हैं क्योंकि 125 सीट पर लड़ेंगे तो क्योंकि उन तो मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं, हैट्रिक लगा चुके मानव श्रृंखला बनाकर, उनको तो अपने आप पर उनको 15 साल के विकास पर घमंड होना चाहिए। अभी हम लोग ने मैंने एक आपका कार्यक्रम भी देखा जी, उसमें एक बातें आ रही थी पबजी करके आपका जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग हमने उसको पूरा गंभीरता से देखा। नीतीश कुमार जी कहते हैं विकल्प क्या है, विकल्प है और नीतीश कुमार जी को किसी पर भरोसा नहीं है, उनको मोदी जी पर भी भरोसा नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी चूंकि उनके लटक हैं इसलिए उन पर भरोसा किस मजबूरी बस करते हैं यह उनकी समस्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी पर अगर उनको भरोसा अगर होता तो फिर 125 सीट और क्या मतलब बनता है। आपको जब मौका मिला था 100+ सीटों पर लड़ने का जब राजद कांग्रेस और नीतीश जी लड़े थे जी, कितने सीट पर आए आप देख लीजिए। तो ऐसा थोड़ी है कि ये 2% जाति वाले जो कुर्मी जाति है इनका यह वर्चस्व नहीं है कि यह अपने दम पर सरकार बना ले। अगर 9% वाला ब्राह्मण अगर अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो 2% वाले कुर्मी का भी औकात किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कराने का भी नहीं है। आप उठाकर सर्वे करके देख लीजिए, 2-4-10 विधानसभा को हटा दीजिए तो ब्राह्मण बहुल के बराबर भी इनका किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वह वर्चस्व नहीं है। लेकिन चूंकि आप विकल्प के रूप में 2005 में लालू के जंगल राज का जो भय दिखाया गया जी, उस भय में भी भय के कारण आप सत्ता में आए और आपने कहा कि विकल्प क्या है। अरे भैया जब आपकी गठबंधन टूट गई थी 2012 में भारतीय जनता पार्टी से तो आप उसी जंगल राज की बात करने वाले उसी सिपाही के उसी दल से आपने गठबंधन कर लिया 2015 में और आप सत्ता में आए। और सत्ता में आपके आने के बावजूद भी आपके 10 साल के सुशासन के बाद भी सबसे अधिक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आई और आपको यह साबित किया कि आपके जो 10 साल का शासन है सुशासन का वो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है, बहुत बड़ा गैप है उसको आप भर रहे हैं और बार बार लालू का भय दिखा रहे हैं। और अगर उनकी स्थिति अगर बहुत अच्छी होती तो शायद 2015 में उनके साथ चुनाव नहीं लड़े, एक साल सरकार भी चलाया आपने। अब इसके बाद आप कह रहे हैं फिर अलग हो गए फिर भाजपा से मिल गए तो कह रहे हैं कि नहीं लालू जी तो जंगल राज के सिपाही हैं। मतलब जब आपको सरकार बनानी हो तो वो मंगल राज के सिपाही हो जाएंगे लालू और जब सरकार से बाहर हो तो वो
ब्रजेश जी, लगातार पिछले 2-3 महीनों से आप ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए अलग अलग जगह सभाएं कर रहे हैं, और इन सभाओं के बाद से जैसा कि हम भी लगातार आपके फॉलो कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, इसका व्यापक असर कुछ नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि चर्चाएं शुरू हो गई हैं अलग अलग दलों से बात करने के बाद, ये बातें होती हैं कि आखिर ये ब्रजेश जी क्या कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, और इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट का आपको नज़र कहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। आप देख लीजिए कि चाणक्य चाणक्य की बात करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा बनकर जो पार्टी चलाने वाले जो क्षेत्रीय दल हैं जी, या राष्ट्रीय दल भी लोग हैं जो कहते भले ही है कि हम चाणक्य की नीति को मानते हैं जी, तो चाणक्य तो बेसिकली ब्राह्मण परिवार के हैं और चाणक्य ब्राह्मण ही होगा। और आप जो कह रहे हैं कि 3-4 महीने का मेहनत, 3-4 महीने का मेहनत का यह नतीजा है कि अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी। आप उसको उठाकर देख लीजिए कि हर पार्टी का, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, वहाँ आप है जो महत्वपूर्ण पार्टी है जिसकी सरकार है, सबका कमान ब्राह्मण परिवार ही संभाल। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और मैं जनता को भी बता दूं कि आपने जो बात कही है, मेरा इशारा बिल्कुल वही था कि मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आप देख लीजिए कि बीजेपी ने अगर किसी को कमान दिया है, किसी को चाणक्य बनाया है, तो वो मनोज तिवारी हैं जो ब्राह्मण हैं। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कीर्ति झा यादव को सम्मान दिया गया है और वो कमान संभाल रहे हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। आप जदयू की बात करें तो संजय झा ने झा को कमान दिया गया है, वो भी ब्राह्मण है। अगर आरजेडी की बात करें जो लगातार मनुवादियों की बात करती है, उसने भी कहीं ना कहीं मनोज झा पर भरोसा किया है और वो भी कमान दे दी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास कमान है, वो भी ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जितने भी हैं सब इस बिहार की धरती से हैं। ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ी बात है और जनता को और देश की जनता को भी ये जानना चाहिए कि जिस चाणक्य की धरती पे चाणक्य नीति की बात होती है, अगर किसी भी जाति के लोग अगर रणनीति बनाते हैं, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं, तो उन्हें चाणक्य कहा जाता है। और इस बार जो दिल्ली का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, सबके लिए प्राइड है, हर पार्टी के लिए प्राइड है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, उन सबके ने कहीं ना कहीं अगर कमान किसी को दिया है तो वो सब ब्राह्मण है और संयोग से सारे बिहार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने जो बातें कही, चाणक्य का बिहार से, चूंकि ये अखंड भारत की राजधानी रही है जी, जिसका नेतृत्व राजगीर किया करता रहा है, और चाणक्य का पहला गणराज्य भी इसी बिहार से शुरू हुआ, वैशाली से जी जी, ये अखंड भारत का राज्य रहा है जी, जिसका नेतृत्व किया है चाणक्य के वंशजों ने, जैसा कि आपने सभी लोगों का नाम लिया जी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह बताना चाहता हूं, मैं एक छोटा सा एक अपना बात है कि हम लोग ये कहते हैं कि खौलता है जल वही जिसमें आग की बुनियाद होती है जी, और ब्राह्मण जिंदा है वही जिसमें स्वाभिमान जिंदा है जी। हम दूसरी बात ये कहेंगे कि ब्राह्मण परिवार जिस पर भरोसा, मनुवादी, आप मनुवादी हम हैं, मैं ये बार बार ताल ठोक कर कहता हूं कि जितना मुकदमा करना है करो मेरे ऊपर, हम मनुवादी है भैया, मनु है, आप सिर्फ ढकोसला करने से बात नहीं है। और मनु अगर मनुवादी प्रवृत्ति इतना प्रभावकारी है तो जो विभिन्न आप दलों की बात कर रहे हैं, आप भाजपा की अभी कमान देख लीजिए कौन संभाल रहा है, आप कांग्रेस का कमान कौन संभाल रहा है आप देख लीजिए, कांग्रेस को तो कह भी सकते हैं कि ब्राह्मणों का उसमें कहीं ना कहीं अंश, भले आज उसमें मिलावट की बातें होने लगी है। जदयू का जिसकी कौन जात का पार्टी है आप देख लीजिए, आरजेडी कौन जात का पार्टी है आप देख लीजिए, आप कौन जात का पार्टी है आप देख लीजिए, इनको पता है कि हमारे जात से भी अधिक अगर आज भी इस देश में भरोसेमंद अगर कोई बिरादरी है, अगर भरोसेमंद अगर कोई कौम है, तो वो ब्राह्मण समाज ही है। वो आपके साथ दगा नहीं करेगा, कम से कम वो आपका काम जिसको आपने दायित्व दिया है वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करेगा। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बातें हैं जी। हमारा जो ओरिजिनल, अब इसमें आप हो जाएंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट कौन है जी। जो चाणक्य नीति, जो चाणक्य नीति को समझने वाला, ब्राह्मण परिवार का मंथन करने वाला, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करेगा, जीत दिल्ली में उसी को होने वाली है। और जीते कोई भी, जीत तो चाणक्य की ही होगी, बिल्कुल, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी जीते वो परिवार हमारे ही कुल का है, हमारे ही खानदान का है। इसलिए हम ये ताल ठोककर कह सकते हैं कि बगैर ब्राह्मणों का भारत की राजनीति एक पद आगे नहीं चल सकती है, भले ही आप उसको SC ST आपके नाम पर तोड़ दीजिए, भले ही आप उसको मनुवादी के नाम पर अलग कर दीजिए, भले ही ब्राह्मणों पर तमाम तरह का आरोप लगा दीजिए, लेकिन जब भरोसा करना होगा तो हर दल का भरोसा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों पर है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।